जैन समाज के सभी घटकों ने अपना अपना कारोबार बंद रखकर विशाल रैली निकाली है। छिंदवाड़ा में भी जैन समाज के 8 घटकों ने एक साथ मिलकर केंद्र और झारखंड सरकार के इस फैसले का विरोध किया। इससे पहले गोलगंज और गांधीगंज व्यापारी मंडल सहित अन्य संगठनों ने जैन समाज के इस प्रदर्शन को समर्थन देते हुए छिंदवाड़ा शहर में दुकानें और मार्केट बंद रखी। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और सांसद नकुलनाथ केंद्र और राज्य सरकारों को पहले ही पत्र लिख चुके हैं। श्री समय शिखर जी की पवित्रता को बरकरार रखा जाए एवं जैन समाज की भावनाओं को सम्मान हो। छिंदवाड़ा सकल जैन समाज अहिंसा स्थली गोलगंज से एक विशाल रैली के रूप में निकला, जिसमें महिलाएं, बच्चे, युवा और बुजुर्ग सभी ने अपनी भागीदारी दी। काली पट्टी बांधे इस विशाल रैली में शहर के लगभग 2500 जैन समाज के सदस्य एवं अन्य संगठनों के प्रतिनिधि मौजूद रहे। अथक प्रयास है कि इस समय शिखर जैन लोगों के बीच में वो भी रहे हैं, उन्हें भी मालूम है कि जैन लोग किस टाइप से रहते हैं और उनके समय शिखर और उनके मुनि महाराज और उनके 24 तीर्थंकरों में क्या त्याग भावना है और कैसा उनका त्याग है। उसी त्याग को देखकर के भी उनकी भावना बनी कि ये समय क्षेत्र जैसा जिस स्थिति में है वैसा ही रहे और उसमें व्यवस्थित रहे। सीसी कैमरे वगैरह आधार कार्ड से जुड़े वो कि कौन जैन है और कौन जैन नहीं है उसकी भी जानकारी लेकर ही लोग ऊपर चढ़ें, ऊपर खाने बनाने की सामग्री न जाए क्योंकि वहाँ खाना बनाने वाले भी अब पर्यटन स्थल पर जाएंगे तो वो मांस मदिरा अंडे वहाँ बिक्री करने के लिए चालू होंगे। ये एक अशोभनीय कार्य होगा और माननीय कमलनाथ जी ने भी ये बार बार कह रहे हैं, जिले में भी और वहाँ संसद में भी कहे, राष्ट्रपति से भी उनकी बात हुई है, प्रधानमंत्री महोदय को भी इन्हें चिट्ठी के माध्यम से लेटर के माध्यम से बहुत अहिंसावादी निवेदन लिखा है कि जैन समय शिखर की भावनाओं से मत खेलो, ये अशोभनीय कार्य है, इसको जितनी जल्दी हो उन्हें वैसे की वैसी स्वीकृति दे दो। धन्यवाद। जजनेन्द्र NBC न्यूज़ के लिए छिंदवाड़ा से शेखर राजपूत की रिपोर्ट।